उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सरकार जल्द शुरू करने जा रही है। ऐसे में चारधाम मार्ग पर सड़क मार्ग खस्ता हाल पड़े हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नेपाली फार्म से IDPL सिटी गेट तक नेशनल हाईवे सड़क मार्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे और उनमें पानी भरे होने से नाराजगी व्यक्त करते हुए फोन पर ही नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाई। मौके पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता OP सिंह को फोन पर तुरंत सड़क पर पड़े गड्ढों में पैच भरवाने के निर्देश मिले। अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारी से कहा कि सड़क में पड़े गड्ढों से उसमें पानी भरा पड़ा है और लोगों को यातायात में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसात में ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। देखिए, चूंकि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा हालांकि बहुत तेजी से तो नहीं चल रही, लेकिन फिर भी अनेकों लोगों का आना हरिद्वार ऋषिकेश रहता है और उसके साथ साथ आने वाला टाइम भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि अनेकों यात्री फिर और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ संख्या बढ़ेगी। तो नेपाली फार्म से लेके और कोयल घाटी तक सड़क में जो हमारा NH है, अनेकों जगह गड्ढे मुझे दिखाई दिए और उनसे निश्चित रूप से एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो आज मैं निरीक्षण में पाया कि बहुत जो कुछ गड्ढे हैं उसको लेके जो NH के अधिकारीगण हैं उनसे कहा है कि वो तुरंत उसे भरा जाए, क्योंकि बरसात भी आने वाली है। बरसात में भी निश्चित रूप से जब गड्ढे नहीं दिखेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा। और चूँकि मेरे यहाँ वैसे ही सड़कों का बहुत अच्छा सुंदर जाल बिछा है, तो ऐसे जो गड्ढे हैं उनको पूरी तरह से भरा जाए, आने वाले किसी को परेशानी ना हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन में इसको शुरू करा लेंगे ताकि ये समस्या हमेशा के लिए हमारे लिए न रहे। आपको बता दें कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारी को बदहाल सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए। अग्रवाल ने त्वरित गति से कार्य न होने की स्थिति में अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ने सड़कों में पड़े गड्ढों में शीघ्र पैच भराए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।